कि जब हमें एक साथ मिलकर आने की जरूरत है कि हम पूरी तादाद के अंदर निकल कर आएंगे। आज आपने ये दिखा दिया है कि हम लोग आज औरंगाबाद के नाम के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है, आज ये सबों का समय है। इस सरकार को एक पैगाम दे रहा है और वो पैगाम ये है कि जमहूरियत के अंदर अगर सबसे ज्यादा कोई मायने रखता है तो दिल्ली में और मुंबई में बैठे हुए चंद नेता नहीं मायने रखते हैं, बल्कि ये लोग मायने रखते हैं। यही वो लोग हैं जो हुकूमतें बनाते हैं, जो सरकारें बनाते हैं। सरकार ये समझ रही है, कमिश्नर है, मैं सभी सिक्योरिटी साहब से ये कहना चाहूंगा। पहले तो उन्हें मुबारकबाद देता हूं कि यहां पर आपने पूरे औरंगाबाद को यहां पर अल्हम्दुलिल्लाह इकट्ठा किया। लेकिन जहां तक इजाजत की बात है, मैं सलीम साहब से इतने लायक तफाकी रखता हूं कि मेरे शहर का नाम जब बदला जा रहा था तो मुझसे इजाजत नहीं ली गई थी। सरकार ने ये फैसला कर लिया है और तुम सबको मानना पड़ेगा, तो तुम सबकी तरफ से मैं सरकार को एक पैगाम दे रहा हूं। हम वो जमाते नहीं है, हम वो कौम नहीं है जो तुम कहेंगे खड़े रहो, हम जवाब में तुम्हें कहेंगे अरे बैठ तो बैठ। हमसे कल जब अपना 14 दिन का हमने 14 दिन का जब हमने अपना कलेक्टर ऑफिस के सामने आंदोलन वापस लिया, उससे पहले मैं पुलिस कमिश्नर साहब के पास गया और उनको ये बताया कि ये जो नाम का मुद्दा है ये कोई हिंदू और मुसलमान का मुद्दा नहीं है, ये हमारी पहचान है, ये हमारी शिनाख्त है। लेकिन अगर कुछ लोग ये समझ रहे हैं कि वो यहां पर बाहर से आएंगे और हमारे शहर की हमारे जिले की फिजा को खराब करेंगे, तो मैं साफ शब्दों में उनको ये कहना चाहता हूं, कल उनका आंदोलन है और मुझे मालूम है कि बाहर से किराए के टट्टुओं को बुलाया गया है। चाहता हूं अगर जबान उनके मुंह में भी है तो सुन लो कि तुम हमारी जबान का मुकाबला कभी जिंदगी भर नहीं। जिस लहजे में तुम बात करेंगे तुम्हें उसी लहजे के अंदर जवाब दिया जाएगा इंशाअल्लाह। आज मुझे खुशी इस बात की है, ये लड़ाई हम सड़क के ऊपर लड़ रहे तो वहीं दूसरी ओर अदालत में भी ये लड़ाई चल रही है। देखिए हमारे इख्तलाफ हो सकते हैं, अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन अभी जब मैं आया यहां पर तो हिशाम उस्मानी कांग्रेस का शहर अध्यक्ष हुआ करता था, जब नाम बदला तो उसने ठोकर मारी अपनी कुर्सी को और कहा कि आज
इम्तियाज जलील के लिए ऐलान करता है कि अगर मुझसे ये कहा जाए कि तुझे औरंगाबाद चाहिए या तुझे एमपी बनना है, खासदार हम बनाएंगे, तो मैं ठोकर मारूंगा खासदार की गली। कहीं ना कहीं अगर आज हम खड़े नहीं हुए तो ये समझ लीजिए कि कल सरकार को ये लगेगा कि हम कुछ भी फैसला कर सकते हैं और ये लड़ने वाले नहीं है, ये मैदान में उतरने वाले नहीं है। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर कई सारे शहरों के नाम बदले गए, उत्तर प्रदेश के अंदर कई सारे शहरों के नाम बदले गए, लेकिन अब इसके बाद अगर सरकार किसी शहर का नाम बदलने की सोचेगी तो उसके सामने ये तस्वीर और ये नजारा देखेगी। तुमने सिर्फ अपने शहर को बचाने के लिए यहां नहीं उतरे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर सरकार किसी भी शहर का नाम बदलने की सोचेगी तो उन्हें एहसास होगा कि नहीं, ये सड़क के ऊपर आएंगे, ये लड़ेंगे, हमें जमहूरी इख्तियार है, हमें जमहूरियत ने इख्तियार दिया है कि हम लड़ सकते हैं। लेकिन मुझे बताइए कि यहां पर किसने ऐसी गलत बातों का इस्तेमाल किया? किसी ने नहीं। लेकिन दो दिन पहले एक राजनीतिक पार्टी ने मोर्चा निकालने के लिए जब वो सड़क के ऊपर आए तो उन्होंने किस लहजे का इस्तेमाल किए, मैं उन लोगों को भी बताना चाहता हूं कि दो दिन पहले तुमने जो यहां पर पूरे मराठवाड़ा से लोगों को जमा किया था, कितनी तादाद थी, अरे अगर इम्तियाज जलील बुद्धि लाइन में चाय पीने के लिए चला जाए आ चुका है तो हर सतह के ऊपर ये लड़ाई हमें लाने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद उन तमाम लोगों को देना चाहता हूं जो अदालतों के अंदर भी मेहनत कर रहे हैं। कुछ दिन पहले मुहम्मद साहब जो पिटिशनर थे, वो भी मुस्लिम लॉ काउंसिल पूरी हद के साथ साथ दे रही है, और ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं तो भले ये सामने नहीं आ रहे हैं लेकिन पीछे से पूरी ताकत लगा रहे हैं। आपको ये ताकत ऐसे ही बरकरार रखने की है। आपको ये बताना है कि हम हुकूमतों के फैसले आग बन करके कबूल नहीं करेंगे। ये जमहूरियत है और जमहूरियत के अंदर हर इंसान को बोलने का, विरोध करने का, पूरे पुरामन तरीके से अपना एतराज जताने का पूरा इख्तियार है और वही हम काम कर रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इतने सारे लोग, हमारी माएं और बहनें भी आई हैं। ये वही माएं और बहनें हैं। कई सारे लोग मुझसे कहते हैं, अब क्यों आए हैं, अब क्या होगा? सरकार ने तो फैसला कर लिया है, सरकार ने सीएएनआरसी का भी फैसला कर लिया था, लेकिन उसे लागू इसलिए नहीं किया क्योंकि वो मेरी सैनी, मेरी माए और बहने। महीनों तक वो सड़क के ऊपर डटी रही। अब लेते हैं क्या जिक्र सीएएनआरसी का? मालूम है कि सिर्फ माओ और बहनों की ताकत उन्होंने देखी है, अभी हमारे शेरों को एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। यहां की और भी मुकर्रर है बोलने के लिए, बस एक इंतजार करना चाहूंगा, हाथ से हाथ जोड़कर रखिएगा, पूरी ताकत लगा के रखिएगा, इंशाल्लाह हमारे यहां।